लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो, आई एम एसपी सिंह। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टेक्निक, शॉर्ट ट्रिक, 1 से लेकर 1000 तक की परफेक्ट क्यूब संख्याओं का घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। आप केवल एक ही सेकेंड में 1 से लेकर 1000 तक परफेक्ट क्यूब संख्या का घनमूल केवल एक सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए मैं अब इसको सिखा रहा हूँ, तो सीखते हैं। यहाँ से देखिए, मैंने 1 से लेकर 1000 तक की संख्या लिखी है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब जिसका घनमूल निकाला जा सकता है, पूरे पूरे पेयर बन जाए तीन तीन के। तो यहाँ पे देखिए, ये हमें लिख रहा है, मैंने घनमूल यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। या यू भी कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्या, किस संख्या का घनमूल है वो आप केवल एक सेकेंड में बता सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो किन संख्या का घनमूल है ये आप केवल एक सेकेंड में बता सकते हैं। और कैसे, जरा ध्यान देंगे, यहाँ जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ नोट करेंगे। देखिए ये वाला, ये और इस पर जरा विशेष ध्यान देना आप जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 1, 2 और एक और यह वाला, देखिए जरा ध्यान दो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर मैंने नोट किए। कौन कौन से, एक किया मैंने 0 और एक 1, 2, 0, 1 और 4 और 5, 6 और 9, यानी कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बाकी कौन से बचे, बाकी बचा 1, 2 और एक बचा, कौन सा बचा, 7, ठीक। दूसरा कौन सा है, 8 और एक बचा है ये 3, 8 और 3। अब जरा समझेंगे, देखिए जो यहां की ये संख्याएं हैं यानी 0, 1, 4, 5, 6, 9 यानी कि जिसके लास्ट में ये अंक आ रहा तो उसका जो घनमूल है वो वही अंक है। देखिए इसमें 0 आ रहा तो 0 घनमूल हो गया, 1 आ रहा तो 1 घनमूल हो गया, और यहाँ पर देखिए इस वाले में 4 आ रहा तो 4 घनमूल हो गया, 5 आ रहा तो 5 घनमूल हो गया, 6 आ रहा लास्ट में तो 6 घनमूल हो गया, और यहाँ पर देखिए इसमें 9 आ रहा तो लास्ट में 9 घनमूल हो गया। तो भैया 6 अंक तो हमें वैसे ही मालूम चल गए, कौन कौन से, 0, 1, 4, 5 और 4, 5, 6, देखिए 3 तो कंटिन्यू है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अब बचे 4, अब 4 ने जरा ध्यान से देखना, देखिए जिसके लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 किसके, तो उसका तो घनमूल हो गया 8, जिसके लास्ट में क्या 2 है तो उसका घनमूल हो गया 8, और जिसके लास्ट में 8 है उसका घनमूल हो गया 2। लो जी ये भी याद हो गया, 2 वाले का 8, 8 वाले का 2। इसी तरह से देखिए जिसके लास्ट में 7 है उसका घनमूल हो गया 3, और जिसके लास्ट में 3 है उसका घनमूल हो गया 7। जरा समझेंगे, जिसके लास्ट में 2 लिखा तो उसका घनमूल 8, और जिसके लास्ट में 8 लिखा उसका घनमूल 2, और जिसके लास्ट में 7 लिखा उसके घनमूल 3, और जिसके लास्ट में 3 लिखा उसका घनमूल 7। तो इस प्रकार से हम 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का, परफेक्ट क्यूब संख्याओं का घनमूल एक सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो 6 संख्याएं की तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, और इसमें लास्ट में 2 है तो 8 घनमूल, और लास्ट में 8 है तो 2 घनमूल, लास्ट में 7 है तो 3 घनमूल, और लास्ट में 3 है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स सो मच, जय हिंद।